चंद्रपुर के बल्लार शाह FDCM ने कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धजिया। राज्य के बाहर से लकड़ा खरीदारों की बड़ी फौज बल्लार शाह के FDCM के इलाके में दाखिल हुई। ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, ना ही कोरोना प्रोटोकॉल की किसी को चिंता। लगती रही बोली, बिकता रहा लकड़ा। अधिकारी बोले, फॉरेस्ट का है स्वतंत्र कानून। तो क्या कोरोना की दस्तक फॉरेस्ट के कानून के बाहर तक ही सीमित है? देखिए FDCM की लाइव बोली और सागवान लकड़ियों की होने वाली नीलामी। 1.75, 1.76, 2 लाख, 2.10 में कोई है? 2.10, 2.20, 2.20, 2.25, यस 2.30, 2.30, 2.35। नमस्कार दोस्तों, कोरोना के तीसरे वेव की दस्तक और ओमाइक्रॉन के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें शादी समारोह में 50 लोग तो दाह संस्कार में 20 लोगों की उपस्थिति को अनुमति दी है। इतना ही नहीं, कोरोना के खतरे को देखते हुए फॉरेस्ट सफारी को भी पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट की ओर से शुरू सभी पर्यटन स्थलों को भी बंद किया गया है। ऐसे में बल्लार शाह में FDCM के इलाके में खुलेआम सागवान और अन्य लकड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए 150 लकड़ा व्यापारियों ने अपनी हाजिरी लगाई। तो वही 400 से अधिक लोग यहां नीलामी को देखने उपस्थित रहे। यहां आए लकड़ा व्यापारी जोर शोर से बोली लगा रहे थे। उनमें ना ही सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही कोरोना प्रोटोकॉल का यहाँ पालन हो रहा था, जबकि कोरोना को देखते हुए सरकारी कामों को कुछ समय सीमा तक आगे ढकेला गया है या फिर ऑनलाइन के जरिए उसे पूरा किया गया है। किंतु यहाँ FDCM में ऑफलाइन नीलामी को अंजाम दिया गया। हमारा सवाल है, क्या इस ऑफलाइन प्रक्रिया को आगे ढकेला नहीं जा सकता था? क्या सिर्फ आम जनता के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की मर्यादा सरकार ने तय की है? क्या फॉरेस्ट को कोरोना प्रोटोकॉल से राहत दी गई है, जिस पर उचित जवाब आना अभी बाकी है? 2.10, 2.20, 2.25, 2.30, 2.35। देखिए हमारे पास आए इस दृश्य को, जहां खुलेआम नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसमें मंच पर मौजूद कुशाग्र पाठक, जो कि FDCM के विभागीय व्यवस्थापक है, वे खुद नीलामी कर रहे हैं। ना इन्हें कोरोना का डर है और ना ही प्रोटोकॉल की चिंता, क्योंकि फॉरेस्ट के कानून के मुताबिक इन्हें कोरोना से राहत दी गई है। कोरोना फॉरेस्ट की नीलामी प्रक्रिया में दस्तक नहीं दे सकती। अत्यावश्यक सेवा के नाम पर यहाँ खुलेआम लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई है और नीलामी के नाम पर यहाँ जमकर बोली लगाई गई। बोली के पीछे की कुछ अनसुलझे किस्से हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। पहले आप कुशाग्र पाठक को सुनिए। उसमें फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ जो हैं वो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में, और उसमें हमने जो प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया है। सभी खरीदार जो थे उनका सब टेम्परेचर चेक, वैक्सीनेशन चेक वगैरह हुआ है, उसके बाद ही उनको ऑक्शन में अलाउ किया गया। ऑक्शन में सर मेरे ख्याल से होंगे 120-30। नहीं सर, उसमें क्या है, हमने इसमें एक अरेंजमेंट ये किया था कि जो सबका क्या है कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है, हमने उनको कहा था कि आप, हमने इस बार फोटो नहीं दिखाई थी लकड़ी की, आप हमने लकड़े घूमिए देखिए, जब आपका लॉट का नंबर आएगा तो आप बोली के लिए आ जाइए, वरना आप डिस्पर्स रहिए और अपना लकड़े देखते रहिए। इस बार हमने ऐसा अरेंजमेंट किया था, हमको मिली थी। नहीं सर, एक्चुअली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ वो खत्म हो गया, इसलिए ऑनलाइन बंद हो गए। लकड़ा व्यापारियों के जानकारों के मुताबिक ऑनलाइन लकड़ा खरीदी में अधिकारियों की झोली पूरी तरह से खाली होती है, जो ऑफलाइन में वजनदार हो जाती है, क्योंकि ऑफलाइन में जो बोली लगाई जाती है उसे बंद कमरे में एक निर्धारित संख्या में तब्दील कर दिया जाता है। प्रसाद को व्यापारी और अधिकारी आपस में हजम कर लेते हैं। ये जानकारी हमें हमारे बेहद ही विश्वसनीय सूत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है। नाम ना उजागर करने की शर्त पर ये जानकारी हमें दी है। अब ऐसे में किसे कोरोना प्रोटोकॉल की चिंता होगी? जहां ऑफलाइन में प्रसाद मिले, वहां ऑनलाइन की झंझट में कौन पड़े? फिर चाहे कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां ही क्यों ना उड़े, किसे है कोरोना नियमों की चिंता? कोरोना तो सिर्फ आम जनता के लिए ही सीमित है, नियमों को तोड़ते तो सरकारी अधिकारी ही है।
36, 40, 8-50 सौ में, 8-50 एक, 8-50 दो। टीम VL24 न्यूज़। 57-2